बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो स्लीव डिज़ाइनिंग है। ये बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा ये स्लीव डिज़ाइन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार अपने स्लीव के लिए। मोस्टली ये जो लॉन की शर्ट्स होती हैं ना, ब्रांडेड जो शर्ट्स होती हैं, तो ये उनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मेरा जो डिज़ाइन है ना, ये कैसा है। तो इसके लिए मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक। तो उसकी मैंने ये छोटी छोटी सी जो है ना, वो बना ली है, डोरियाँ बना ली हैं इस तरह से, उनको स्लाइन लगा के। तो फिर ये मैंने कर दिया, इनको सीधा कर दिया है इस तरह। ये मैंने 3 इंच की रखी है, ठीक है। तो इसको ऐसे प्रेस कर लेना है, प्रेस करने के बाद इसको इस तरह मोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह मोड़ के, तो फिर इसको भी आपने प्रेस कर लेना है आयरन के साथ। ये मैंने ऑलरेडी की हुई थी, मैंने जस्ट एक बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये कैसे बनाते हैं। देखिए इस तरह से इसको, इनको लगाना है ये स्लीव के ऊपर आके ना इस तरह से, तो आप इनको लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए इस तरह मैंने सब लगा लेनी है ऐसे करके। आज की वीडियो में भी थोड़ी सी लॉन्ग है, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है ना, इसमें थोड़ी सी मैंने कहा कि थोड़ी स्लो रखूँ मैं अपनी वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो कल की मेरी वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिए, और उसमें बताइए, मुझे रिव्यू दीजिए कि आपको मेरी कल की वीडियो कैसी लगी। बिकॉज मैं इतना टाइम यूट्यूब से ऑफलाइन रही, क्योंकि मेरी हालांकि डेथ हो गई थी, उसके फ़ौरन बाद मेरी पप्पू की बेटी फोत हो गई थी, वो भी बहुत ही जवान थी, उसकी डेथ हो गई। फिर हमारे घर में मेरे चाचा की डेथ हो गई, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आ गई थी कि मैं 6 एंड 7 मंथ जो है ना, तो YouTube से बिल्कुल ऑफ रही, मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की, कोई कुछ नहीं किया। तो इंशाल्लाह अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली की वीडियो अपलोड किया करूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन कटिंग किया था, कट वर्क इसको बोलते हैं। तो ये मैंने काट के ऑलरेडी रखा होता है, इस तरह इसको स्टिच कर लेना है। ये मैंने सिलाई कर लिया है, तो इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये मैंने काट देना है अभी। ये देखिए इस तरह इसको कट कर लेना है, ये सारा ऐसे ही मैं काट काट दूंगी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसका काट दिया, और अब मैंने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखें कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। उसके बाद जो है ना, ये जो फ्रंट साइड पे जो मैंने लगानी थी ना, ये जो डोरियाँ लगानी थी, तो ये भी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। तो इस तरह पहले आपने इनको स्टिच कर लेना है सबको एक ही साथ। ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने इनको ऐसे रख के, ये देखें इस तरह इसके ऊपर रख के, तो फिर इसको स्टिच करना है।
यहाँ से स्टिच करना है बिल्कुल इसके बराबर। ये देखें इस तरह से। ये देखें जी, ये मेरा डिज़ाइन बन गया है। इस तरह हमने इनको अटैच करना है। इसके अंदर मैंने ये पर छोटे छोटे से लगा लेने। आप चाहें तो ऐसे ही इसको जोड़ सकते हैं, टंका लगा सकते हैं स्विंग के साथ, बट मैं इसके अंदर ना एक छोटे छोटे से ये जो पर लेना इनको लगा रही हूँ। ये देखिए, ये फुल मैं ऐसे ही लगा लूँगी। ये देखें, ये मैंने फुल लगा लिए। अब मैंने इनको करना है स्लाइड करनी है, और पास जो मेरे स्लीव हैं इनको मैंने ऐसे बंद कर देना है। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा ये जो डिज़ाइन है ना, ये रेडी होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार अपने किसी कुर्ते के ऊपर। आपके जो कुर्ते होते हैं उनके स्लीव के भी बना सकते हैं। अगर आपकी शर्ट है तो उसके स्लीव भी इस तरह के बना सकते हैं। कोई भी कोई फ्रॉक है उसकी डिज़ाइनिंग भी ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल किसी नए डिज़ाइन के साथ फिर मिलेंगे। अभी मैं वीडियो को यहाँ पे करती हूँ वाइंड अप। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।